हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोही कुकिंग चैनल एंड लाइफस्टाइल। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हाथगा के फूल की सब्जी। इसे अगस्ती के फूल भी कहते हैं। हमने हाथगे के फूल को अच्छे से वॉश कर लिया है और हम इस तरीके से इस फूल के पत्तियों को अलग करेंगे और जो ये डंठल दिख रहा है इसे निकाल लेंगे। हमने इस फूल के पत्तियों को और डंठल को अच्छे से अलग अलग कर लिया है। मैंने आधा कटोरी भिगी हुई मूंग की दाल ली है, एक बड़े साइज के प्याज को कट कर लिया है और एक बड़े साइज के टमाटर को कट कर लिया है, इस तरीके से बारीक, और चार पांच हरी मिर्ची और चार पांच लहसुन की कलियों को इस तरीके से क्रश कर लिया है। फूल की पत्तियों को भी मैंने कट कर लिया है। अभी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने देंगे। अभी ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अभी जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है तो अभी मैं इसमें कटी हुई प्याज डालूंगी और इन्हें भी भून लूंगी। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाथगे के फूल को एक आयुर्वेदिक औषधि भी माना जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं इसमें क्रश की हुई हरी मिर्ची और लहसुन को भी डाल दूंगी और इन्हें भी इसमें अच्छे से भून लूंगी। अभी अच्छे से भून चुके हैं तो अभी मैं इसमें एक चुटकी हींग डालूंगी और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी और इन्हें मिक्स कर लूंगी। और फ्रेंड्स, ये सब्जी झटपट बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। अभी मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालूंगी और टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए इसलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अभी टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं तो अभी मैं इसमें भिगी हुई मूंग की दाल डालूंगी और इसे भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं गैस की फ्लेम कम कर दूँगी और इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी ताकि हमारी मूंग की दाल अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, हमारी मूंग की दाल अच्छे से पक चुकी है तो अभी हम इसमें हाथगे के फूल की पत्तियाँ डाल देंगे और इन्हें भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये सब्जी आप एक बार घर पे बना के देखिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। अभी हम इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और आप देख सकते हैं फूल की पत्तियाँ हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है और अच्छे से गल चुकी है। अभी हमारी सब्जी बनके रेडी है तो मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और थोड़े से इसमें हरी धनिया डाल दी है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।